Sorry, yeah. SDJ. मौली कल क्रैकर से डर गई थी। मौलू, ए मौली भैया, नाराज है तू मेरे से? फिर ऊपर ही देखेगी मेरी तरफ, देख ले यार। अबे तू इतना नाराज था, तुम इतना नाराज मेरे से क्यों होती रहती है? तू आप सबसे ज्यादा खिलाते हो ना, तेरे को आदत पड़ गई बस मेरे से मजे लेने की। देख आजा, जोड़ा इधर देख, क्या हुआ? देख मेरे को बता क्या हुआ। अरे बाप रे, दूसरा हो गई। देख तो, देख देख, गजब टेंटरम मेरे भैया। प्लीज पापा, मौलू आज मत, मौलू मुझसे नाराज नहीं है। मैं ने भी दो तीन दिन से आपसे ज्यादा नाराज हो रही, क्योंकि काम काम में उसको टाइम नहीं दे रहे ना। ए मौलू, अच्छा मेरे पास आजा, चल आजा मौली मेरे पास आ। मौली नहीं, मेरे से नहीं गुस्सा। ए मौली, मौली मेरे पास आ। मौली चिट्टू लाद मिले यार, यहाँ चिट्टू लाद नहीं मिले उसे। सोचले मेरे पास आने वहां जाना है। मौली उदास है। मौली देखो, उदास है तू मेरे से, नाराज है तू मेरे से। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग्स विद मम्मी। आई होप आप सब अच्छे हैं, खैरियत से। हम भी यहाँ पर बहुत बढ़िया हैं, मज़े में हैं। और आज मैं फिर से काफ़ी टाइम के बाद आपसे अपना न्यू व्लॉग शेयर कर रही हूँ। आज ग्रहण था तो शाम को तो लक्ष्मी जी को पूजा नहीं हटा सकते, जो लक्ष्मी पूजा कल की थी। तो अभी आप देख सकते हैं, अभी पूजा कर ली है, जोत जला दी है। और यहाँ पे और भी दिए किए हैं स्वीटोनर मैंने मिल के, बट मैंने कौन स्वीटोनर ज़्यादा बोल सकते हैं, नहीं तो फिर बोलेंगे कि वरना नाम नहीं देते हैं। सीटों ने और मैंने मिलके यहाँ दिए तैयार कर लिए। सीटों पे ऑयल डाल रहे हैं, हिंडल डाल रहे हैं। यहाँ पे मेरा देव, इसको फीवर आ गया था, अब ठीक है। इसको यार राधा ने दिए। पेपर पकड़ ले रहे तो। अब सामने रख देते हैं रंगोली, अभी छोटी सी, क्योंकि अभी ग्रहण का टाइम हुआ है। कितना 5:53 पे था ना, 5:53। उसके बाद नहाना, हेयर वॉश करना, घर में जिंगा जल छिड़कना, सीट और हाउस हेल्प नहीं आई शाम को, तो सीटू ने पूरे घर को झाड़ू डस्टिंग क्लीनिंग सब कुछ करी। मैं तब तक मतलब नहाकर आई, उसके बाद पूजा पाठ किया। अब हम लोग रख रहे हैं दिए। तो इतनी छोटी सी रंगोली बनाई है, ज्यादा बड़ी नहीं बनाई है, क्योंकि काफी अंधेरा भी हो चुका है और देव को भी ठीक फील नहीं हो रहा है। अभी खाना भी बनाना है, हम लोगों को भूख भी लगी है। अभी फिलहाल तो चाय और चिवड़ा खाएंगे, ठीक है सीटू? अभी डिनर नहीं है ये, अभी हल्का सा। इसके बाद होना चाहिए बस खाने। डिनर में सोच रही हूँ मैं दाल चावल और सिंपल आलू मटर की सब्जी बनाती हूँ, बस हो गया। पेपर नहीं लाया अब यार, रख दूँ क्या? हाँ हाँ हाँ, यहाँ मेरे को तो सीढ़ी पे भी हाँ पल्ले रख दूँ। मम्मी के पास हो गया।
हाँ जी, तो आप देख ही चुके कल था ग्रहण, तो मैंने इवनिंग के बाद ना आपने देखा ही था बैटरी कितनी लो थी हमारी, थोड़ा सा लो फील कर रहे थे, होता है ना फेस्टिवल में इतना ज़्यादा काम हो जाता है। तो फिर अभी नेक्स्ट डे की मॉर्निंग है, आज मतलब वो भी है, गोवर्धन पूजा भी है, कई लोग भाई दूज आज सेलिब्रेट कर रहे हैं, कई लोग कल कर रहे हैं। मैं बना रही हूँ मूंग दाल के पकौड़े और यहाँ पे मतलब फ्राइड राइस भी बनाया साथ में। अब मेरा काम निपटा लेता हूँ ना। मौली नाराज है, इधर आना मौली, तू नाराज है मेरे से, ऐसे कैसे काम चलेगा, तू नाराज होगी मेरे से तो मेरे बाल खींच ले। ए मेरे जादू टोना मोना पुना बाल आ देती है, ए मेरे जादू टोना मोना पुना शोना मोना मौलू। अच्छा चल, मेरे को तो हाथ देगी ना, देगी ना, दे दे हाथ, दे दे। किसको हाथ देगी, तू भी हाथ रख मौली, हाथ किसको देगी, हाथ किसको देगी, जल्दी बोल, दे तू टच क्यों करा जान मुझे, किसको हाथ देगी, चीटिंग है देवी, दे चीटिंग नहीं, हाथ नीचे कर, मौली किसको हाथ देगी, मौली हाथ किसको देगी भाई, मुझे नीचे तर दिए, मौली किसको हाथ देगी, मुझे नीचे ती है, अरे जाओ तुम से किसी को दे दी, अरे दे दी, वाह क्या दे दी, मौली गद्दार हो गई, ये चीटिंग है मौली, गद्दार हो गई, चल मुझे हाथ दे दिया पापा, तो चैलेंज जुगाड़ कुछ बोलोगे आप जुगाड़ के लिए, आज हमारे घर में चाय पत्ती खत्म है, सीटू मार्केट गए थे, मैं बताना भूल गई, तो ये ग्रीन टी है, ग्रीन टी के सेशे हमने कट कर लिए है, ये हमारी देसी चाय है, ये हमारी चाय का पानी उबल रहा है, अरे दो तो सेशे थे क्या, नहीं चार सेशे हैं, पता नहीं कैसी बनेगी लेकिन ट्राई करते हैं कैसी बनती है, बीच दो पार्टीशन रहता है ना इसका, जर्दा बोलते क्या बोलते वो जो खाते हैं, मैं कोई चरसे वरसे मुझे पता रहेगा, चरसे वो रगड़ते ना ऐसे करके, वो ऐसा दिख रहा है, ये पता नहीं, मैं ठहरी सीधी सादी से इंसान, दिखाओ शकल तो देखो, सीधे लोगों की शकल भी देख लू जरा, मैं कभी किसी को कुछ भी नहीं बोलती, तू कहा कुछ बोलती, लोग तो आपको भी कभी कुछ नहीं बोलती, झगड़ा तो मैं कभी नहीं करती, भगवान ने। तो भाई दूज के लिए मैं बना रही हूँ गुलाब जामुन, ये पतंजलि के इंस्टेंट गुलाब जामुन है और इसके दो पैकेट लिए हैं मैंने 200 ग्राम के, तो मतलब आप 400 ग्राम समझ सकते हैं, और इसे या तो आप नॉर्मल कुनकुने दूध के साथ इसका आटा लगा सकते हैं या नॉर्मल ठंडे पानी के साथ। हाँ जी, तो ये जो पतंजलि का इंस्टेंट मिक्स आता है ना गुलाब जामुन का, ये आपको थोड़ा सा वैसा नहीं लगेगा सॉफ्ट सॉफ्ट से, जैसे बाकी अदर कंपनीज के होते हैं, आप जैसे ही निकालेंगे तो मैदे जैसे सॉफ्ट होते हैं, ये थोड़ा दरदरा है, बट एक चीज़ बहुत अच्छी है कि जब आप इसको बनाएंगे तो इतने ज़्यादा स्पॉन्जी और सॉफ्ट आपके गुलाब जामुन बनेंगे और बिल्कुल खोए जैसा टेस्ट आएगा। अगर आप खोआ अवेलेबल नहीं है और बनाना चाहते तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है पैकेट्स में, मतलब इंस्टेंट जो पैकेट्स आते हैं उसमें, तो हल्का हल्का पानी डाल के इसका एक सॉफ्ट डो लगा लेना है और उसे फिर हम रेस्ट देंगे 15 मिनट का, और आप देख सकते हैं मेरे हाथ में ना ऑयल छिटक गया था, उसका निशान दिख रहा है, अब वो धीरे धीरे ठीक हो रहा है। हाँ जी, तो मेरे मोबाइल की बैटरी लो हो गई थी, मैंने ध्यान नहीं दिया था उसे चार्ज करने का, इस वजह से क्या हुआ ना कि इसके जो मैंने बाउल्स बनाए गुलाब जामुन के राउंड शेप में, ये आपसे शेयर नहीं कर पाई, बट जैसे सारे इंस्टेंट पैकेट के बनाए जाते हैं वैसे इसके बनाए जाते हैं, ऑयल गर्म करने रख दिया था मीडियम फ्लेम पे, मैं इस सारे जब गुलाब जामुन के बॉल से उनको इसमें पका लूँगी गोल्डन ब्राउन कलर आते तक, जैसे गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो अच्छे से पक जाएंगे, फिर मैं इनको निकाल लूँगी। साथ में हमारे गुलाब जामुन के लिए मीठी मीठी चाशनी भी रेडी हो रही है, एक तरफ मैंने डेढ़ ग्लास चीनी ली थी, डेढ़ ग्लास वाटर ऐड किया था, इलायची के दाने, इलायची के छिलके भी उसमें डाले थे ताकि उसे हमारी चाशनी का फ्लेवर बढ़िया हो जाए, और जब तक मतलब वो कुक हो के चाशनी हाफ नहीं हो जाएगी तब तक हम उसे कुक करेंगे, उससे हमारे गुलाब जामुन बहुत टेस्टी बनेंगे, मतलब जो होते हैं ना पूरे ऑब्जर्व कर लेते हैं, हमें वैसी वाली चाशनी बनाना है, ना तार की बनाना है ना दो तार की बनाना है, बस थोड़ी सी डेंस हो जाए ताकि वो जो उसका मीठापन है वो सारा ऑब्जर्व करके जो सोख लेते हैं वैसे वाले गुलाब जामुन बनाने हैं। हमारे गुलाब जामुन भी बन के रेडी हैं, चाशनी भी बन गई है, तो जो गुलाब जामुन के मतलब गुलाब जामुन तो बन के अब रेडी होंगे, तो गुलाब जामुन के जो बॉल्स थे वो इसमें चाशनी में मैंने कर दिए और अच्छे से डिप करने के लिए उनको अच्छे से स्पून के हेल्प से स्टर कर लिया है,
ताकि जो चाशनी की मिठास है हमारे गुलाब जामुन ऑब्जर्व कर ले। और 2 घंटे इनको रखने के बाद फिर मैंने गुलाब जामुन निकाले हैं, तो बहुत ही ज़्यादा माउथ मेल्टिंग, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने हैं। तो जो लोग भी मतलब अगर इंस्टेंट गुलाब जामुन बनाना पसंद करते तो प्लीज़ मैं रिकमेंड करूँगी पतंजलि का, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप। दोबारा अगर एक बार ट्राई कर लेंगे तो दोबारा ज़रूर बना के देखेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, खोए जैसे बनते हैं। इसके साथ में गर्मा गर्म पूड़ियाँ और मटर की सब्ज़ी। खुद के हाथ की बनाई अच्छी रहती है, क्योंकि अपन कम रुई लेके बनाते हैं और वो एकदम इतनी मोटी मोटी बनाते हैं ना, आगे वो मजेदार नहीं रहती। पापा मम्मी जैसे बात कर रहे हैं। और मैं हाथ की अच्छी रहती है वैसे तो। मेरी मम्मी थी मम्मी और मेरी नानी। हेलो को मम्मी से बात कर रहा हूं। मम्मी अभी मम्मी जी से बात कर रहे हैं। हां मम्मी जी रुक जाओ, स्पीकर में रहा। हाँ बोल। हाँ मम्मी जी क्या कर रहे हैं? अभी तो इतने ला लिए थे तो वो वाला पैकेट खत्म हो जाएगा कल वाले में, फिर बनाना पड़ेगा। लेकिन अपनी हाथ वाली अच्छी रहती है, इस वाले में जबरदस्ती खींच के और मेहनत करना पड़ जाता है। रंगोली बना रही हूँ, रंगोली बना रही हूँ। अभी चाय तो नहीं दिखाना, छत पे देखते हो? अभी चाय तो नहीं दिखा बोली। हाँ जी, तो यहाँ पे आप सुन ही चुके हैं कि मम्मी जी से मैं कॉल पे बात कर रही हूँ। पहले स्वीटू ने बात की, फिर मैंने की। पहले हम लोग यहाँ पे रुई की जो बाती होती है ना उसके ऊपर डिस्कशन कर रहे थे कि मार्केट की और हाथ की बनी हुई में कितना फ़र्क होता है। और यहाँ पे स्पीकर पे फ़ोन भी है साइड साइड में, मैं रंगोली भी बना रही हूँ। ये मेरी भाई दूज की रंगोली। मैं मम्मी जी से वही पूछ रही थी कि वहाँ पे वाराणसी में चांद दिखा कि नहीं दिखा, क्योंकि दूज के चांद की पहले पूजा करते हैं ना, फिर मतलब भाई दूज का टीका करते हैं। तो मम्मी जो ये बता रहे थे कि वहाँ पे चांद अभी दिखा नहीं है, और अभी क्या हुआ है कि ऊपर वाला फ्लोर बन गया है तो फिर सीधे ऊपर टेरेस पे जाके देखना पड़ता है। तो फिर मम्मी जी की भी अभी फेस्टिवल है, बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, तबीयत नहीं ठीक लग रही थी। तो मम्मी जी बोले पता नहीं बेटा दिखा या नहीं दिखा अभी। तो स्वीटू अब गए हैं देखने के लिए ऊपर कि अगर दिख जाएगा तो आके बताएंगे, ताकि हम जल्दी से पूजा कर सकें। और आप ही में से कुछ, मेरे तो बहुत छोटे से सब्सक्राइबर है तो छोटी सी ही लिस्ट है, तो कुछ 3-4 लोगों के डिमांड पे मैंने कोशिश की है कि मैं अब आपसे शेयर करूँगी वीक में एटलीस्ट एक बार। तो मैं आपसे रंगोली का व्लॉग ज़रूर शेयर करूँगी कि मतलब अलग अलग डिज़ाइंस की कौन सी रंगोली कैसे बनाते हैं। कोशिश करूँगी संस्कार भी शेयर करने की, संस्कार के लिए प्रॉपर टाइम चाहिए होता है, बच्चे की भी स्टडी, घर का सब कुछ देखना होता है, बट मैं शेयर करने की पूरी कोशिश करूँगी। हाँ जी, तो रंगोली बन के रेडी है। तो चलिए पहले पूजा कर लेते हैं शाम की, दीपक वगैरह लगा लेते हैं। और रंगोली कैसी बनी बताइएगा ज़रूर कमेंट में। और यहाँ पे रंगोली के ऊपर भी दीपक रख दिया है, खिड़कियों पे सर तरफ। आज का मेरा व्लॉग, गुलाब जामुन की रेसिपी, हमारी फैमिली, मेरी रंगोली, कुछ भी